अब देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो इसमें हमें एक पावर अडेप्टर मिलता है, एक HDMI केबल और एक स्टैंड, कुछ इस प्रकार से। ओके सो हमारा डिवाइस जो है पहले सेटअप करना पड़ेगा, पूरे कनेक्शन, वाईफाई, रिमोट, ये वो। तो मैं फटाफट सेटअप कर लेता हूँ, मिलते हैं कुछ समय बाद। ओके सो हियर वी गो फॉर द फर्स्ट बूट। होम स्क्रीन के लिए रेडी हो रहे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी हम जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज आवर होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के अंदर मीडिया में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन है, सारे स्मार्ट ऐप्स है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, जियो सिनेमा, IPL भी देख सकते हो आप। मीडिया में सिर्फ एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस दिए हुए सारे स्मार्ट ऐप्स। वर्क स्पेस में आप जैसे ही जाते हो तो वर्क स्पेस में आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, जैसे कि कनेक्ट करने के लिए विंडोज़ PC, मैक या फिर सैमसंग डेक्स। वेब सर्विस में माइक्रोसॉफ्ट 365 भी दिया है। तो मैं पहले आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं PC को मॉनिटर के साथ HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं PC सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे अभी ये HDMI केबल के थ्रू मेरा PC जो है मॉनिटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सेटिंग्स में आपको दिखा था सेटिंग्स क्या किए हैं एक्सटेंडेड मॉनिटर्स के लिए। डिस्प्ले में ये जो है यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट दिस डिस्प्लेस होता है, आपको एक्सटेंड दिस डिस्प्ले करना है। इसकी मदद से आप जो है आप कोई भी ऐप यहाँ पे ओपन करोगे तो आप जो है दोनों भी स्क्रीन पे उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा मेन पर्पज़ है इस मॉनिटर का ट्रेडिंग के लिए मैंने लिया है, ताकि मैं मेरे चार्ट जो है बड़ी स्क्रीन पे देख पाऊँ मल्टी टाइम फ्रेम में। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। ये जो है इजी कनेक्शन टू स्क्रीन, ये जो है इसका मतलब है मेरा जो PC है लैपटॉप उसको मैं वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकता हूँ डेस्कटॉप मॉनिटर के साथ। तो अभी जो है मेरा मॉनिटर जो है PC के साथ वायरलेसली कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे सैमसंग डेस्क के बारे में। जैसे मैं सैमसंग डेस्क सेलेक्ट करूँगा मेरा फ़ोन जो है मेरे मॉनिटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और मैं वायरलेसली मेरा फ़ोन जो है मॉनिटर से एक्सेस कर सकता हूँ।
अब इसको यूज करने के लिए सैमसंग डेस्क, आपको जो है आपका फोन का माउस, फोन का जो टच स्क्रीन है एज अ माउस यूज करना पड़ेगा लाइक दिस। सारे ऐप्स मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ वायरलेसली। नेक्स्ट बात करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं इसके। तो यहाँ पे मल्टीपल चार टाइप के पिक्चर मोड दिए हुए, डायनामिक, स्टैंडर्ड, मूवी और फिल्म मेकर मोड। तो मैं जनरली स्टैंडर्ड मोड पे रखना पसंद करता हूँ। यहाँ पे पिक्चर सेटअप कर सकते हो मैन्युअली आप, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, शार्पनेस मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। अडेप्टिव साउंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड अडेप्टिव साउंड मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। साउंड आउटपुट आप मतलब एक्सटर्नल ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो और उसका आउटपुट जो है साउंड ब्लूटूथ या फिर मेन साउंड मॉनिटर जो है उसको भी रख सकते हो आपके हिसाब से। गेम मोड भी दिया हुआ है लेकिन इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 Hz है, तो गेमिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है, आपको लैग या फिर थोड़े से जिटर्स फील होंगे। साउंड सुनते हैं इसका, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 5 वॉट पे दो स्पीकर दिए हुए हैं, बॉटम फायरिंग है। पे भी बहुत ज़्यादा लाउड हो जा रहा है। आप जो जनरली अगर आपका हॉल साइज बड़ा है तो आप 50 to 70 के बीच में रख सकते हो। और कुछ नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, आपके जो भी आपको कंटेंट देखना है यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि कहाँ पे, प्राइम पे या फिर नेटफ्लिक्स पे या फिर हॉटस्टार पे, आपको ऑटोमेटिकली सर्च करके देगा। मेन जो हमारा वर्क स्पेस है इसे हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे सैमसंग डेस्क हो गया या फिर पीसी को कनेक्ट होना या फिर एप्पल एयरप्ले भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्पल एयरप्ले कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप एयरप्ले सेलेक्ट करना, जो भी आपको मीडिया आपको मॉनिटर पे दिखाना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट।